गुप्त महात्मा बुद्ध के शिष्य, आनंद के शिष्य, उपगुप्त भी बुद्ध के समान यत्र तत्र भ्रमण करते रहे, ज्ञान बांटते रहे। उनके प्रयासों से अनेक लोगों ने निर्वाण प्राप्त किया। उनका स्पर्श संजीवनी था, जीवन देता था। सौम्य शांत उपगुप्त को महात्मा बुद्ध के समकक्ष ही माना जाता है। उपगुप्त और उनके शिष्य ध्यान आराधना में मग्न हैं। आसमान के नीचे कहीं भी धरती उनका बिछौना बन जाती। एक बार मथुरा नगर की प्राचीर के निकट उपगुप्त विश्राम कर रहे थे। अर्धरात्रि, सारा संसार नींद में निमग्न सोया है। रात के शांत वातावरण को चीरती हुई नर्तकी वासव दत्ता के नूपुरों की झंकार, छन छन छन, 16 श्रृंगार की, हाथ में लालटेन लिए चली आ रही है। मस्त मदहोश अंधकार में या शायद अहंकार में नर्तकी का पांव उपगुप्त से जा लगता है। ठिठक कर वह पीछे हटती है और फिर कदम आगे बढ़ाती है। शायद अहंकारवश पुनः टकराती है। लालटेन के प्रकाश में देखती है, कौन कौन है? देव, आप यहाँ इस धरती पर? नहीं नहीं, यह शैया आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आइए मेरे महल के द्वार आपके अभिनंदन के लिए आतुर हैं। आइए देव, आइए, चलिए ना। शांत मुस्कान उपगुप्त के मुखमंडल पर और सौम्यता से कहा, देवी आप अपना मार्ग ग्रहण करें, अभी समय नहीं आया है। एक दिन अवश्य आ। अनमनी अशांत वासव दत्ता हताश हो गई है। मन मानो अटक गया है कहीं उपगुप्त की सौम्यता में। स्वप्न लोक में हर पल उपगुप्त को देख रही है। उसके कानों में मानो उपगुप्त का स्वर गूंज रहा है, अवश्य आ। और अपनी कल्पना में ही अपनी सखियों के संग नृत्य मग्न हो जाती है। Oh,
गयो झड़क 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 महीने बीत गए, धीरे धीरे कई बरस बीत गए। नर्तकी वासव दत्ता, जिसकी सुंदरता पर हजारों लोग अपनी जान न्यौछावर करते थे, आज उसकी स्थिति कैसी हो गई है? गांव वाले उसे नगर में क्यों रखते? आखिर वह नर्तकी थी और उसे कोढ़ हो गया है। निकाल दो इसे नगर प्राचीर से बाहर। नर्तकी और कुष्ठ रोगी, इसकी नगर को क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ हाँ, निकाल दो इसे। अब न यह मनोरंजन कर सकती है और न ही नहीं। निकल जाओ यहाँ से। निकल जाओ। हाँ हाँ, निकल जाओ। अरे निकलो यहाँ से, आओ सबको बुलाते हैं। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। निष्काशित नर्तकी मिट्टी का ढेर बनी नगर प्राचीर से बाहर पड़ी है, रोती सुबकती हुई। कितनी अभागिन हूँ मैं, कब मिलेगी मेरी इस अवस्था से मुक्ति? कब आएंगे देवा? कब आएंगे देवा? क्या समय नहीं आया है? नगर में शांति है, नगरवासी पुष्पोत्सव मनाने नगर से बाहर गए हैं। शांत मार्ग पर उपगुप्त अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे हैं। कौन है वहाँ? लगता है शायद कोई स्त्री है। अरे इतनी रात में और नगर प्राचीर से बाहर? प्रभु देखिए कौन है। नर्तकी वासव दत्ता। कौन कौन है? शांत रहिए देवी, शांत रहिए। देव आ गए आप? अरे मेरी काया ठीक हो गई है, मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई है। समय आ गया है। क्या समय आ गया है देव? हाँ देवी, समय आ गया है। अब आप बुद्ध की शरण में हैं। हमारा अहंकार और सांसारिक सुख हमारे जीवन में बाधक होते हैं। ईश्वर के प्रवेश का समय हमारे जीवन में तभी आता है जब हमें उनकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं the more